Assalamu alaikum everyone. Welcome back to our channel. In today's video, I will be teaching you 5 new words of English. So, let's begin. First word for the day is jade. ये एक noun है. इसका English meaning है precious stone. अगर हम इसका उर्दू मीनिंग देखें तो that is याकूत. Chinese jade studded vase was auctioned for ₹50 lakh. Second word for the day is jaunt. ये एक verb है. इसका English meaning है excursion. अगर हम इसका उर्दू मीनिंग देखें तो that is तफरीही सफ़र. A short trip you can say. चलें इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करते हैं टू मेक इट मोर क्लियर. द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट दे विल बी गोइंग ऑन अ जॉन्ट. आज का हमारा तीसरा वर्ड है नॉल. ये एक नाउन है. इसका इंग्लिश मीनिंग है अ लो हिल. अगर हम इसका उर्दू मीनिंग देखें तो दैट इज़ पहाड़ी. छोटा सा जो पहाड़ होता है, नॉट टू हाई. चलें लेट्स यूज दिस वर्ड इन अ सेंटेंस. ही वॉज अटरली एग्जॉस्टेड एंड पेंटिंग बाय द टाइम ही रीच्ड द टॉप ऑफ द नॉल. फोर्थ वर्ड फॉर द डे इज मटर्नल. ये एक एडजेक्टिव है. इसका इंग्लिश मीनिंग है ऑफ और लाइक मदर. अगर हम इसका उर्दू मीनिंग देखें तो दैट इज़ मादरी, मामा वाली साइड कह लें आप. चलें इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं. द लिटिल चाइल्ड हैज़ बीन लॉन्गिंग फॉर मटर्नल लव. फिफ्थ एंड लास्ट वर्ड फॉर द डे इज़ निगर्ड. ये एक एडजेक्टिव है. इसका इंग्लिश मीनिंग है मिज़र. अगर हम इसका उर्दू मीनिंग देखें तो दैट इज कंजूस. हियर इज इट्स सेंटेंस. सच अ निगर्डली डोनेशन ऑफ अ $10. तो ये थे हमारे आज के 5 न्यू वर्ड्स. आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू रियली डिड, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.